सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन करते क्यों हैं? देखिए, समय के साथ साथ कुछ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जिसमें हम मेनली लैंड की बात कर रहे हैं, और कुछ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज भी हो जाती है। मींस एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है समय के साथ साथ। अब अगर हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर हम करते हैं, तो इस पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा? हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं और एक क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक लैंड खरीदते हो, कुछ से 30 साल पहले जब आपने बिजनेस शुरू किया, आपने एक लैंड खरीदी। उस लैंड की कीमत उस वक्त 1 लाख रुपए थी। आप बड़े ही सस्ते भाव में वो लैंड खरीद लेते हैं। अब अगर आज उस लैंड की कीमत की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। मान लीजिए वो 1 लाख से आज 1 करोड़ हो चुकी है। क्या हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। लैंड की वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से कुछ टाइम पहले इंक्रीज भी हुई थी। अब अगर मैं बात करूं कि आपके बुक ऑफ अकाउंट में उस लैंड की वैल्यू 1 लाख रुपए ही होगी, क्योंकि हम पोस्ट पर ही हमारी जो अकाउंट्स हैं उसमें रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी तरफ अब अगर मैं बात करूं कि एक नया पार्टनर, मान लीजिए मैं आपका एक पार्टनर इंटर करता हूं, तो क्या मुझे आप इंटर करवा लोगे उस एसेट को विदाउट रिवैल्यूएशन किए? मेरे ख्याल से नहीं। अगर आप उसको इंटर करवा भी लेते हो मुझे, तो क्या होगा, मैं कुछ टाइम बाद कहता हूँ मुझे मेरा बिजनेस में जितना भी मैंने पैसा लगाया था उसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन बिजनेस का मैं हिस्सा चाहिए। मान लीजिए मैंने 50% लगाया था, तो मुझे आप कितना देंगे एज ए पार्टनर? मुझे 50% देना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन नहीं करवाया, आपको लॉस हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, एक रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले, रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर हमारे पास एडमिशन ऑफ पार्टनर में, या फिर हमारे पास डेथ ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इन सभी केसेस में अगर कोई नया पार्टनर आता है, जाता है, या रिटायर हो जाता है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो सभी केसेस में हम क्या करेंगे, जितनी भी एसेट्स हमारे पास हैं, लायबिलिटीज हमारे पास हैं, उनको रिवैल्यूएट किया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग, आज के अकॉर्डिंग उसके भाव को चेंज किया जाएगा, उसके प्राइजेस को चेंज किया जाएगा। अब जो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट्स की कीमतें बढ़ भी सकती हैं और एसेट्स की कीमतें कम भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ लायबिलिटीज की लायबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं और लायबिलिटीज कम भी हो सकती हैं। और तीसरी तरफ कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट मिल भी सकती हैं और कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी मिल सकती हैं। ये अनरिकॉर्डेड एसेट क्या हुआ? ऐसी एसेट जो हमने बुक ऑफ अकाउंट में पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था और बाद में हमें पता चलता है कि ये एसेट थी तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इसी तरह है, कुछ ऐसी लायबिलिटी जिसका हमें पहले से नहीं पता था, हमारे अकाउंट्स में नहीं लिखी हुई थी, आज वो हमें पता चल गई है, तो उन्हें हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कहेंगे। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमारे पास हम क्या करें, अगर रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट्स बढ़ेंगी तो हमें फायदा हो रहा है, तो एसेट्स को हम डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे। दूसरी तरफ अगर रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि देखिए, जब रिवैल्यूएशन होगा तो हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसे डेबिट कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि वो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, अब एसेट्स के बढ़ने से हमें फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन में फायदा हो रहा है, तो हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, हम क्रेडिट किया करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, तो जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, हम कर रहे हैं फ्लोइंग आर दी जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ट वाइल रिवैल्यूएशन। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री है फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये नुकसान है, और सभी एक्सपेंसेस को हम क्या करते होते हैं, डेबिट करते होते हैं, तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। दूसरी तरफ हम क्या करें, एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, यहाँ नेम लिखा जाएगा, नेम ऑफ द एसेट तो रहेगा बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर दूसरी तरफ एसेट की वैल्यू जो है हमारी इंक्रीज हो जाती है, तो
क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे। और रिवेल्यूशन की वजह से, क्योंकि रिवेल्यूशन हमारा नॉमिनल अकाउंट का है, नॉमिनल अकाउंट है और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमारा गेन हो रहा है, एसेट बढ़ रही है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। यही इसी तरह से लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, तो हमने पहले कर देते हैं बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। दूसरी तरफ लायबिलिटी, इंक्रीज लायबिलिटी हो तो क्या होगा, ये हमारे लिए लॉस है और सभी लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, तो रिवेल्यूएशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और क्योंकि लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम लायबिलिटी को यहाँ क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट की जाती है। दूसरी तरफ अगर हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। फोर्थ में, फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाती है तो क्या करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज होने पर हम उसे डेबिट करते हैं, तो हम यहाँ लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। और क्योंकि रिवैल्यूएशन की वजह से हमारी डेबिट हो रही है, हमें फायदा हो रहा है, लायबिलिटी कम होने पर फायदा ही है एक तरह से, तो हम इसे क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। तो इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरह से रिकॉर्ड करें, तो देखिए, तो पहले हम नरेशन भी इसका लिख देते हैं, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो अब इसका नरेशन कैसे लिखा जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ये हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक परफॉर्मा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और नॉमिनल नेचर की वजह से क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी हमारे पास डेबिट साइड में सभी प्रकार के लॉसेस को लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड में सभी प्रकार के इनकम्स को लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो एसेट है, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या है एक्चुअली, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे और है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट की वजह से। और एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो, क्योंकि रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट क्या होता है, इनकम्स होती हैं, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय हमारे पास एसेट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। दूसरी तरफ हमारे पास एसेट्स लायबिलिटी के केस में, अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है तो क्या करेंगे, हमारी इंक्रीज लायबिलिटी हो रही है तो ये हमारे पास लॉसेस है, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी को हम डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, और डिक्रीज इन द लायबिलिटी क्योंकि ये फायदा है एक तरह से, तो इसको हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारे क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं फायदे को, तो हम इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके अलावा जो कि जनरल एंट्रीज हमने नहीं लिखी हैं, तो जिनके लिए जो हमारी एसेट्स है, लायबिलिटीज हैं, कोई अनरिकॉर्डेड हमारे पास लायबिलिटी मिल जाती है, नुकसान है हमारे लिए, तो सभी लॉसेज को हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं, और सभी एसेट्स जो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाती है तो ये हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे, टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। अगर ये बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड में है, बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड में है, तो ये प्रॉफिट कहलाएगा, और प्रॉफिट को जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर दूसरी तरफ हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड में हो तो ये लॉस होगा, और इस लॉस को भी हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए, अब ये जो दो जर्नल एंट्रीज हैं प्रॉफिट और लॉस की, ये कैसे बनेंगी, तो इसको भी देख लेते हैं। अब फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए हमारे पास यहाँ दो पार्टनर हैं, हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ दो पार्टनर अज्यूम कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और लिख देंगे क्रेडिट साइड के लिए टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इस रेशियो में जो कि हमारे पास बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होगा। दूसरी तरफ अगर लॉस होता है, आप देख रहे हैं लॉस जो है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। तो लॉस के सिचुएशन में कैसे होगा, फॉर द ट्रांसफर ऑफ लॉस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम क्या करें, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर लेते हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ये किसमें ट्रांसफर होगा, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगा। अब इस बात को हमेशा समझिए कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, सो दैट नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो विल बी एप्लीकेबल होगा। रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में सभी प्रकार के वो आइटम्स हैं
जिससे हमें नुकसान हो रहा है, जिससे हमें लॉस हो रहा है या एक्सपेंस कह सकते हैं, जैसे एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना, लायबिलिटी की वैल्यू का इंक्रीज होना या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाना। दूसरी तरफ जो हमारे पास क्रेडिट साइड है उसमें हर प्रकार के प्रॉफिट्स हैं या गेन है, जैसे एसेट की वैल्यू का इंक्रीज हो जाना, लायबिलिटीज की वैल्यू का इंक्रीज, तो यहाँ हमारे पास डिक्रीज होना चाहिए था, इंक्रीज नहीं या डिक्रीज होना चाहिए था, लायबिलिटी की वैल्यू का डिक्रीज हो जाना या फिर हमारे पास कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट का मिल जाना। तो ये सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट था।